साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार, हाय, हेलो, आप लोग कैसे हो? साथियों हमारे मोबाइल पर एक फ़ोन आया है, रेस्क्यू कॉल, और हमारे फ्रेंड पौधो जी ने हमें कॉल किया है। अब देखा जाए कि पौधो जी हमें फ़ोन से सूचना दिए हैं कि उनके घर में बड़ा साइज का अजगर देखा गया है। तो आज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए किस्मत जी, बोलिए भैया। ए मुबारक, देखिए ना, हम लोग बकरी का घर में बड़ा सा अजगर घुसा हुआ। अच्छा, अजगर घुस गया है बकरी का घर में। तो ये भाई आप कैमरा संभालिए। तो साथियों हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। कहाँ पर है, चलिए हमको बकरी के घर में देखो। बकरी का घर में, अच्छा अच्छा अच्छा। साथियों कोई टॉर्च है जी आपके पास? हाँ, अच्छा, अंकल जी वाच भी कर रहे हैं ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, वाच भी कर रहे हैं। अभी तक हमको नजर नहीं आया है अजगर, कहाँ पर है? यही पर है। ओहो हो, जीभ जीभ निकाल रहा है जीभ। पौधो जी ऐसे आप दिखलाइए टॉर्च को, वहां पर दिखलाइए। साथियों ध्यान रहे, यहाँ क्या बकरी कुरी रखते थे? बकरी कुरी। अच्छा, बकरी का ये जगह है और अजगर यहाँ है। ये बकरी का बच्चा को खा जाएगा। साथियों ये जंगली अजगर है, नॉर्मल अजगर नहीं है, ये जंगल से आया हुआ अजगर है। जैसे जैसे गाछ वृक्ष कट रहा है, सांप इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है। और ये रेस्क्यू टॉन्ग है, यहाँ हमने अजगर को बढ़िया से इस जगह अगर हम पकड़ लिए तो अजगर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा होता है अजगर में। देखिए कहां हम लोग पकड़ते हैं अजगर को। देखिए देखिए किस तरह लपेट लिया, देख रहे हैं ना? थोड़ा सा आगे आगे आइए पौधो जी, आइए। ये हमें ऐसा लग रहा है पौधो जी कि आपका जो है बकरी का बच्चा को ये खाने का क्षमता है, इतना ताकत है इसके अंदर, लेकिन जहरीला नहीं। एक अजगर को पकड़ना जैसे एक शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करने के बराबर है। बहुत ही अच्छा काम किए, हम चाहते हैं कि यहाँ मंच पर आइए, यहाँ यहाँ यहाँ। साथियों अजगर जो होता है ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। क्या नहीं है? जहरीला नहीं है। और अगर हमारे गले में ये पकड़ लिया एक बार तो हमारा दम यानी सांस घुटने लगेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा हिंदी में। इधर थोड़ा दिखलाइए, देखिए यहाँ का जो वातावरण है, चारों तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है, इसीलिए ये अजगर घूमते फिरते आपके घर में आ गया। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप भी पूंछ पकड़िएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ने से तुरंत काट लेगा ये, पकड़िए इसको, छोड़ने से ही काट लेगा उसको, छोड़ने से, हाँ छोड़ने से काट लेगा। हाँ रुकिए रुकिए, पेशाब करता है। हाँ ऐसे पकड़िए, कुछ नहीं होगा, हाथ धो लीजिएगा। देखिए साथियों कितना बिग साइज अजगर, और उठाइए उठाइए। ये अजगर है, हिंदी में अजगर, बंगला में मोयाल, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन, और एक साइंटिफिक नेम है पाइथन मोरुलस। चिंता और चीता में केवल एक ही बिंदु का फर्क होता है, चिंता निर्जीव को जलाती है और चीता जीवित को जलाती है। साथियों ध्यान दीजिए, ओझा गुनी झाड़ फूंक, यही है जिंदगी का आखिरी चूक। एक हमारे सूक्ष्म चिंतक नारायण जी ने हमें बताया था, इस तरह आप मैसेज दीजिए कि ओझा गुनी झाड़ फूंक और यही है जिंदगी का आखिरी चूक। तो साथियों सांप काट ले, ओझा गुनी झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, और नहीं तो साथियों मारा जाइएगा आप। आज हम आपको आज रहस्य की बात एक बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिखलाइए, यहाँ पर एक दो सूंड है, देखिए ध्यान से दिखलाइए लोगों को। ये जो सूंड है ना पौधो जी, ये सूंड जो है ये जमीन में गड़ा करके बैलेंस को बनाता है ताकि इसका आहार इधर उधर भाग ना सके। और ये बड़ा आसानी से खरगोश को, छोटा छोटा बकरी का बच्चा को, बिल्ली को, डॉग को ये पकड़ लेता है।
और खाने लगता है। तो बहुत ही प्यारा सांप, सांप नहीं सांप के नाम से डर है। कुछ बोलना है? नहीं और क्या बोलना है, ये हमारे मित्र हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। अजगर जहरीला नहीं है। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे, बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम।